हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और हमारे पास है भाई वीवो का T1 5G। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई इसकी वीडियो के लिए, तो ले आया हूँ भाई चैनल के ऊपर। सारी चीज़ें बताता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, चैनल पे ऐसी कमाल की वीडियो उसके लिए भाई सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो कर देना यार, हमें भी अच्छा लगता है। थोड़ा जल्दी जल्दी भाई सब्सक्राइबर बढ़ाओ, कब से अटके हुए हैं यार। अब ये वाला जो फोन है ना वीवो, उसको बोल रहा है स्लिमेस्ट 5G फोन। और भाई दिखने में तो पता है आपको वीवो के फोन अच्छे होते ही हैं। बैटरी भी यार इस फोन के अंदर 5000 mAh की है, और जो प्रोसेसर वीवो दे रहा है इस प्राइस सेगमेंट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है भाई। 15-16 हजार में वीवो स्नैपड्रैगन का 695 5G वाला प्रोसेसर दे रहा है यहाँ पे। जो दूसरे ब्रांड है ना भाई, ये वाला प्रोसेसर मतलब 19-20 हजार में देते हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था ये सुन के। मैंने एक्सपेक्ट करा कि 20 हजार के अराउंड शायद वीवो इसको लॉन्च करेगा, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वीवो कम प्राइस पे ले आएगा भाई इसको। सबसे पहले भाई बॉक्स की एक्सेसरीज की कुछ बात कर लेते हैं। एक तो फोन आपको बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिल जाती है। एक क्लियर केस भी वीवो यहाँ पे बॉक्स में इंक्लूड करके दे रहा है, अच्छी बात है। और फोन के ऊपर भी यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करके दिया गया है। बाकी एक 18 वॉट का चार्जर है, टाइप A to C केबल यहाँ पे मिल जाती है, और हमारा सिम इजेक्टर टूल तो मिलता ही है। ये वाला फोन यार नो डाउट दिखने में अच्छा लगता है, पीछे ग्रेडियंट बैक वाला डिजाइन दिया गया है, तो लाइट वगैरह में अलग अलग कलर ये चेंज कर लेता है। बैक पैनल का कलर चेंज नहीं होता भाई, मतलब अलग अलग ग्रेडियंट आते हैं। और साइड का फ्रेम यहाँ पे फ्लैट आपको दिया गया है, हालांकि दोनों चीजें प्लास्टिक हैं, लेकिन दिखने में भाई वीवो हमेशा से बढ़िया फोन बनाता है। और फोन ना काफी लाइट वेट है यार, 179 ग्राम्स का ही वेट है, 8.25 mm की थिकनेस है, और 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से भाई फोन लगता नहीं है कि इतना मतलब हैवी वगैरह नहीं है। फोन काफी ज्यादा मैनेजेबल है। इस फोन के अंदर यह स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर है, 5G वाला प्रोसेसर है। हालांकि इसके अंदर सिर्फ दो ही 5G के बैंड आपको दिए गए हैं भाई। देखो 2022 चल रहा है, और ज्यादा 5G के बैंड बिल्कुल देने चाहिए थे अगर एक 5G फोन हम बोल रहे हैं, नहीं तो भाई सिर्फ वो नाम का 5G फोन लगता है। और वीवो को यहाँ पे यार इस चीज पे ध्यान देना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार ब्रांड्स 2022 में एटलीस्ट 5G फोन के अंदर ज्यादा 5G बैंड दे भाई, हमें सिर्फ नाम के लिए यार 5G फोन लॉन्च ना करें। बाकी ये वाला जो फोन है वो फनटच ओएस 12 पे चल रहा है, एंड्रॉइड 12 यहाँ पे दिया है। नहीं तो आज के टाइम में भी ब्रांड्स हैं जो एंड्रॉइड 11 पे फोन लॉन्च कर रहे हैं, वहां पर वीवो ने अच्छा काम किया है। अब देखो डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जैसे ऐप ओपन करते हो क्लोज करते हो, वहां पे ना वीवो ने यार फनटच ओएस 12 में पता नहीं क्यों यार एनिमेशन ही हटा दिए हैं, तो वो मुझे यार उतना पसंद नहीं आया। ऐप ओपन क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वो फास्ट होती है, UFS 2.2 स्टोरेज है इसलिए, और LPDDR4X रैम भी दी गई है। बट एक चीज मैं बताऊं, अगर आप ना स्क्रोलिंग वगैरह करोगे 120Hz इनेबल करके, मल्टीटास्क वगैरह करोगे, तो वहां पे जिटर वगैरह भाई नोटिस हो जाएंगे आपको, वैसे आप एक्सपेक्ट करके चलना। लेकिन हाँ, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जो प्रोसेसर है वो काफी पावरफुल है। अभी जो 695 प्रोसेसर है ना, थोड़ा सा बेटर ही होगा यार स्नैपड्रैगन 732G से। स्नैपड्रैगन के रिसेंट टाइम में ना भाई अजीब और गरीब नाम रख देते हैं ये। परफॉर्मेंस यार फोन की अच्छी है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर्स वगैरह सब बढ़िया आते हैं, थ्रॉटलिंग वगैरह भी यहाँ पे नहीं होती है। अब बात करते हैं BGMI परफॉर्मेंस की ना, तो ये वाला फोन स्मूथ में अल्ट्रा में गेम चला देगा, मतलब 40 FPS पे, और HD में शायद हाई का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी जायरो परफॉर्मेंस ना इस फोन की यार उतनी ज्यादा मेरे को अच्छी नहीं लगी, और वीवो इसको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बोल रहा है, मतलब टर्बो जैसे सीरीज है इनकी, तो गेमिंग वगैरह पे फोकस कर रहा है वीवो इस फोन के जरिए, तो वहां पे यार मतलब ये गेमिंग फोन तो नहीं लगा मुझे। फ्रेम ड्रॉप वगैरह भाई गेम्स में भी देखने के लिए मिल जाते हैं आपको, और जायरो अगर अच्छा नहीं है तो फिर भाई किस तरीके से गेमिंग फोन होगा, वो मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन हाँ यार परफॉर्मेंस वगैरह बढ़िया है फोन की, मतलब इस प्राइस सेगमेंट में ये वाला प्रोसेसर देना एक बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बोलूंगा, हीट वगैरह फोन नहीं होता है, और हाँ जो बेस वेरियंट है वही मैं बोलूंगा थोड़ा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगा, मतलब ऊपर के वेरियंट तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आप जाओ फिर उस प्राइस सेगमेंट में, और बेटर स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो फोन में वाईडवेल L1 का सपोर्ट तो दिया गया है, फोन में वाईफाई 5 भी है, ब्लूटूथ 5.1 भी है, लेकिन हाइब्रिड सिम का स्लॉट आपको यहाँ पे दिया गया है, तो दो सिम मेमोरी कार्ड साथ नहीं लगा सकते हो, सिर्फ दो सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड। और 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है भाई, मल्टीपल बैंड वगैरह पे काम कर रहा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इस फोन के अंदर यार 6.58 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। अब कौन सी प्रोटेक्शन यहाँ पे यूज की गई है वो नहीं पता भाई मेरे को, तो वो कहीं पे मेंशन भी नहीं, और कितनी ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है वो भी नहीं पता। लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी भाई वगैरह ठीक है इस फोन की, मतलब बहुत ज्यादा तगड़ी तो नहीं है, लेकिन आपको दिख जाएगा, दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। बाकी यार इस फोन के अंदर नॉच दी गई और बेजल थोड़े से मेरे को बड़े लगे हैं, क्योंकि आज के टाइम में यार ऐसी डिस्प्ले अगर आप यूज करोगे तो फिर 2019-20 की याद आ जाती है, तो आज के टाइम में यार पंच होल वगैरह देते तो यार ज्यादा बढ़िया मेरे को लगता। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वो एकदम मस्त काम करता है। सिंगल स्पीकर है भाई इसके अंदर, नीचे की तरफ कोई डुअल स्पीकर नहीं है। उसका आउटपुट वगैरह भी ना एकदम एवरेज है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लाउडनेस वगैरह उतनी ज्यादा नहीं है, एवरेज सा स्पीकर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक हेडफोन जैक दिया गया जो कि अच्छी बात है। टॉप पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी दिया
किया गया है। कैमरे की बात कर लेते हैं जिसके मामले में वीवो यार यहाँ पे फेमस है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 2 मैक्रो की बात ही ना करे तो ही बढ़िया है भाई। एक ही कैमरा काम का है पीछे 50 मेगापिक्सल वाला। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी यहाँ पे मिल जाती है नॉच के अंदर जैसा मैंने बताया। तो भाई देखो नॉर्मल फोटोज वगैरह की अगर हम बात करते हैं ना भाई, फोटोज वगैरह बढ़िया यार ये निकाल के दे देता है। हालांकि डिटेल्स वगैरह ना थोड़ी सी कम लगती है मेरे को, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ता है मेरे को चीज पता है। अब भाई नॉर्मल शॉट्स काफी सही लगते हैं, स्किन टोन्स वगैरह बढ़िया आती है, डायनेमिक रेंज वगैरह भी फोन की अच्छी है। फोटोज क्लिक करते हैं तो एकदम मस्त फोटो आती है, यहाँ पे कुछ सैंपल आप देख सकते हो। तो ओवरऑल रियर फेसिंग कैमरे की परफॉर्मेंस पिक्चर्स के अंदर यार मेरे को बढ़िया लगी है। सेल्फीज वगैरह भी यार ये बढ़िया निकाल देता है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी यार एज डिटेक्शन वगैरह सही है, कभी कभार ऊपर नीचे, कभी कभी मैंने ऐसा नोटिस करा है स्किन को व्हाइटिश ये कर देता है थोड़ा सा, मतलब ब्यूटीफाई वगैरह कर देता है ऑफ करने के बाद भी, तो वो एक चीज है। बाकी ओवरऑल कैमरा सेटअप मेरे को सही लगा इस प्राइस के हिसाब से, आपको कैमरा सही लगेगा इस फोन का। ये वाली वीडियो Vivo T1 के फ्रंट फेसिंग कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस तरीके का ऑडियो आ रहा है, कैसे एक्सपोजर वगैरह और जो क्वालिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैक्स 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 30 FPS पे स्टेबलाइजेशन का अंदाजा आपको यहाँ पे लग जाएगा। चलिए आइए आरजी अमर भाई सबके साथ जरा फोटो ले लेते हैं 1080p 60 FPS में। फोटो शूट हो गया किस स्टेबलाइजेशन वगैरह मिल रही है वो आपको यहाँ पे देख के पता चल जाएगा भाई। तो बताना यार ऑडियो क्वालिटी वगैरह कैसी आ रही है, और एक बार फोकस वगैरह चेक कर लेते हैं। तो एक्सपोजर हल्का सा मतलब अप डाउन करेगा ही करेगा भाई, यहाँ पे पूरा सफेदी हो रही है क्योंकि छत पे हमारी, और 1080p 30 FPS पे भी भाई सिमिलर ही स्टेबलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलती है। वीडियो स्टेबलाइजेशन यार एवरेज ही है इसकी, वहां पर कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। बाकी इस फोन के बेस वेरिएंट में यानी कि 4GB 64GB में पोर्ट्रेट मोड और नाइट मोड नहीं दिया गया, ऐसा वहां पर मेंशन किया हुआ है। अब जब मैंने कंफर्म किया अपने दोस्त से तो उसने बताया कि पोर्ट्रेट मोड तो है, शायद नाइट मोड नहीं दिया गया। तो एक बार वीवो की वेबसाइट जरूर आप चेक कर लेना यार। तो देखो सॉफ्टवेयर की अभी ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है, जैसे एनिमेशन वगैरह मेरे को उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे भाई, एनिमेशन रिमूव ही कर दिए, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है वो। बाकी सॉफ्टवेयर अभी मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी, लेकिन भाई उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, अभी जैसा मेरे को मिला है मैंने आपको बता दिया है। फोन में काफी ब्लोटवेयर है यार, उसको आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो, और हॉट गेम्स और हॉट एप्स वाला जो फीचर है वो भी डिसेबल हो जाता है। फोन में यार गूगल डायलर दिया है तो कॉल रिकॉर्ड करके तो सामने वाली पार्टी को पता चल जाएगा, वीवो वाला डायलर यहाँ से हटा दिया है। 5000mAh की बैटरी, 18W की चार्जिंग है। देखो यार चार्जिंग यहाँ पे कम लगेगी इस प्राइस के हिसाब से, मतलब 30-30W भी दे देते हैं ब्रांड, कुछ 6-7 घंटे का स्क्रीन टाइम दे देता है और वहाँ पे बढ़िया बैटरी चलती है। अगर आप ऑटो रिफ्रेश रेट पे इसको यूज करोगे, 120Hz पे ऑल द टाइम यूज करोगे तो फिर मतलब थोड़ी कम बैटरी लाइफ आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी चार्जिंग टाइम इसका 2 घंटे 2 घंटे 10 मिनट के अराउंड रहता है। और होप करता हूँ वीवो इस वाली सीरीज के अंदर और भी फोन लॉन्च करे ज्यादा 5G बैंड के साथ, और चीजों को इंप्रूव करे, जैसे कि नॉच हटा के भाई एक फुल स्क्रीन डिस्प्ले दे हमें, मतलब पंचोल वगैरह के साथ। बताओ भाई वीवो को क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और आपको ये फोन कैसा लगा जरूर से बताना। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।